हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के टाइम पे दोस्तों एक गेमिंग TWS ईयरबड काफी ज्यादा वायरल हो रखा है, इस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका मॉडल है दोस्तों M25 DMX ब्रांडिंग के साथ आता है। तो मैं इसी गेमिंग की TWS ईयरबड की अनबॉक्सिंग मेरा करूंगा। काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक देखने में लगता है, काफी ज्यादा आपको अलग टाइप का वाइब वगैरह देने वाला, तो इसी की अनबॉक्सिंग मेरा करूंगा। फीचर्स एंड प्राइसिंग मैं बताऊंगा, ये बताऊंगा क्या मैंने तो परचेज वगैरह कर लिया है, जिस प्राइस में आता है क्या आपको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलो फिर दोस्तों आगे बढ़े इस पर बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दिए ताकि ऐसे डिटेल वीडियो आते रहते हैं उसे अपने फोन में फटाफट देख पाए। ए दोस्तों हमारे गेमिंग TWS ईयरबड, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा। कलर तो देख पा रहे हैं फुल्ली ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, जो देख रहे हैं काफी ज्यादा सही लग रहा है। 25 की ब्रांडिंग की गई गेम में, हेडसेट की ब्रांडिंग वगैरह किया गया। इसकी बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत और काफी आपको रगेड टाइप में लगा, जहाँ पे स्क्रू वगैरह दिख रहा है। तो इसको देखने के बाद ना आपको प्रॉपर गेम वाली वाइब आएगी। तो डेमिनेशन की बात करूँ तो डेमिनेशन देखने को डिजाइन तो काफी ऐसा ही बल्कि सा लग रहा है। बल्कि क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा काफी ज्यादा बेकार है, इतना बड़ा ईयरबड्स नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है दोस्तों टाइप सी पोर्ट नीचे दिया गया, USB पोर्ट दिया गया, इससे तो इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। अगर इसका गाना वगैरह सुनते सुनते इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो इसको लगा कर यहां से इसको चार्ज वगैरह भी कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सही है, काफी ऑसम और काफी बड़ी बैटरी वगैरह दी गई, जहाँ पे आपको LED डिस्प्ले दिया गया, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। केस का बैटरी बता रहा है 69 है, ईयरबड का चार्ज वगैरह हो रहा है उसका बता रहा है, इधर वाला फुल चार्ज हो चुका था, यहाँ पे ऑफ है। नहीं तो LR की ब्रांडिंग की गई, B प्रोड की ब्रांडिंग की गई, तो काफी ज्यादा चीजें सही है। देखने में काफी आपको सारी डिटेल्स यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये भी काफी ज्यादा मेरे हिसाब से चीजें सही है। अब इसको निकालो दोस्तों, तो मैग्नेटिक ऑप्शन है, इसके लिए बंद हो जाता है, यहाँ पे आपको अटैच वगैरह चिपक वगैरह जाता है, तो मैग्नेटिक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको निकालता हूँ, ये भी इसके लिए मैग्नेटिक है, गिरने वगैरह वाला नहीं है, तो ये भी मैग्नेटिक है। देख पा रहे हैं दोनों तरफ LED लाइट वगैरह इंडिकेट कर रहा है, और दोस्तों इसके नीचे भी एक लाइट जलता है, इसको रिमूव वगैरह करेंगे तो यहाँ लाइट वगैरह जलने वाला है, तो अंधेरे वगैरह में काफी अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ भी लाइट जलता है, जो काफी ऐसे चीजें सही है। ईयरबड की बात करो दोस्तों, ईयरबड की A2Z है तो प्लास्टिक बिल्कुल फुल्ली ब्लैक है, लेकिन इसकी ग्लॉसी फिनिशिंग है, तो देखने में काफी ज्यादा सही लग रही है, ये काफी अच्छी बात है। कान वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा देखने में दूर से अच्छा लगेगा, जहाँ पे वो रिंग लाइट दोनों तरफ दिया गया है, बीच में टच सेंसिटिव बटन है जो मल्टी फंक्शनल है, इसे सारे की सीधी वगैरह उस चीज और वगैरह कर सकते हैं। LR की दोनों तरफ ब्रांडिंग की गई, तो देख के अच्छे से इस्तेमाल वगैरह कर पाएंगे, तो काफी ऐसी सही है, तो इस्तेमाल वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। सिक्योर एंड फिट है दोस्तों, तो पेन वगैरह भी नहीं आएगा, 3-4 घंटे भी लगा कर रहेंगे, गेमिंग वगैरह करना हो तो उसमें भी आपको पेन वगैरह नहीं आएगा, तो काफी अच्छे से इस्तेमाल वगैरह कर पाएंगे, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। दोस्तों मेरे पास ईयरबड जिसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसका जो ड्राइवर है डिस्प्ले दोस्तों है काफी ज्यादा बड़ा, देखने में काफी ज्यादा बड़ा लगा है, लेकिन काफी ज्यादा सिक्योर एंड फिट वगैरह, मतलब काफी अच्छे से फिटिंग वगैरह हो जाता है, तो फिटिंग के मामले में काफी ज्यादा चीजें सही है। डिजाइन तो ऑसम लेवल का है ही, लेकिन दोस्तों मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिस्कली मेरे पास 3-4 दिन पहले आ गया था, 3-4 दिन के आसपास हो गया, लेकिन दोस्तों एक ईयरबड का क्या 100% चार्ज होता है और 15 मिनट के अंदर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, और एक साइड का ईयरबड है कान में लगाने के बाद ही स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है, तो ये दोनों ईयरबड दोस्तों वर्किंग में नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, फुल चार्ज वगैरह किया, सब कुछ कर दिया, यहाँ पे देख पा रहे 72% बैटरी वगैरह है, तो फुल चार्ज वगैरह कर चुका हूँ, लेकिन ऑन इन वगैरह नहीं हो रहा, तो मैं इसकी कैसे परफॉर्मेंस वगैरह चेक करूँ, क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, क्या गेमिंग वगैरह में वर्किंग वगैरह करता है क्या नहीं करता, मैं आपको इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो मैंने जितना यूज वगैरह किया, यूज वगैरह तो कुछ किया नहीं, जितना वगैरह देखा उसके हिसाब से दोस्तों ऐसे चीजें में आप सबको पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग को देखूं तो 1000 रुपए के आसपास प्राइसिंग है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ मनी है, आप ऐसे डिवाइस में पैसे बर्बाद मत कीजिए, ऐसे डिवाइस को परचेज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वर्किंग में नहीं, चलो रिटर्न वगैरह हो जाएगा, मैंने रिटर्न वगैरह डाल दिया, कल ले जाएगा डिलीवरी वगैरह आकर वापस ले जाएगा, अकाउंट में पैसे वगैरह आ जाएंगे, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी तो है ही। अगर यूज वगैरह करने में वारंटी मतलब रिप्लेसमेंट का टाइम खत्म हो गया और खराब हो गया तो क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे चीजें मतलब देखने में काफी एग्रेसिव है, लेकिन उतना ही मतलब एग्रेसिव फीचर्स वगैरह इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इसको दोस्तों मैं रिकमेंड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इसको परचेज वगैरह करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें दूर रही है। इस प्राइस में दोस्तों काफी ज्यादा ईयरबड वगैरह 1000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग में
काफी अच्छे अच्छे ईयरबड्स आते हैं जो काफी आपको गेमिंग के परफॉर्मेंस अच्छे देंगे। कुछ का लिंक वगैरह दे दूंगा। और जैसे दोस्तों आपने संडे वाली वीडियो देखी उसमें मैंने इसका गिवअवे किया था, तो इस ईयरबड का गिवअवे नहीं होगा। इस ईयरबड को मैंने बेसिकली रेंडमली परचेज वगैरह कर लिया था। मैं जाने वाला हूँ ऑनलाइन वेबसाइट पे, वहां पर टॉप जो सेलर होगा इस ईयरबड्स का, ऐसे जो ईयरबड बहुत सारे सेलर है उनसे परचेज वगैरह करूंगा, उसका रिव्यू वगैरह करूंगा, उसका परफॉर्मेंस वगैरह बताऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी भी आ जाएगी, दो तीन दिन के अंदर अंदर वीडियो वगैरह आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट वगैरह कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। मैं जितना यूज वगैरह किया जितना देखा हूँ उसके लिए ही कहूंगा ऐसे डिवाइस से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे डिवाइस आपको कभी भी पैसे वगैरह बर्बाद कर सकती है। मेरे लिए तो आसान है रिप्लेसमेंट वगैरह करना, लेकिन आपके लिए कई चीजें आसान नहीं हो सकती है। तो मंगाने के बाद ऐसी चीजों के चक्कर में आप भी कभी ना कभी फंस सकते हैं। तो चले फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स पर आपको बता पाऊँ, अगर डिटेल्स आपको समझा पाऊँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ईयरबड्स की एक और वीडियो आने वाले तो उसको देख सकते हैं अपने फोन पे, तो उसके लिए बेल आइकन भी क्लिक वगैरह कर देना। तो चले फिर दोस्तों आज के लिए, तो और भी जैसे बताऊँ दोस्तों इस प्राइस के रेंज में बहुत सारे ईयरबड्स की रिव्यू वगैरह कर चुका हूँ, लिंक वगैरह दे दूंगा बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सबको। तो परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो वीडियो वॉच करके परचेज वगैरह कर सकते हैं, इससे तो दूर रहिए, मैं लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ। और आगे की वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, अभी कुछ टाइम बाद इसका एक और नेक्स्ट वर्जन मंगाने वाला हूँ, उसका वीडियो आने वाला, तो थोड़ा सा वेट कर लिया। आज के लिए इतना था, थैंक यू, धन्यवाद।